दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं एलन मस्क। पिछले कुछ महीनों में एलन मस्क ने बिटकॉइन के समर्थन में कई ट्वीट किए। हर ट्वीट के बाद बिटकॉइन का भाव नई ऊंचाइयों को छूता जाता है। उन्होंने खुद बिटकॉइन में मोटा निवेश कर रखा है, लेकिन अब वो बिटकॉइन से खफा हो गए हैं। हाल ही में मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला में बिटकॉइन के लेन देन पर रोक लगा दी थी। इसकी जानकारी भी उन्होंने ट्वीट के जरिए ही दी थी। अब एलन मस्क ने अपने क्रिप्टोकरेंसी लाने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर डोजी कॉइन उनके हिसाब से अपग्रेड नहीं हो पाता तो वे अपनी क्रिप्टोकरेंसी लाने पर विचार करेंगे। एलन मस्क के इस संकेत के बाद सभी क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट देखी जा रही है। 14 मई को बिटकॉइन का भाव 37,70,000 रुपए था, जो आज 33 लाख पर आ गया है। 14 मई को एथर का भाव 3,03,000 रुपए था, जो आज 2,55,000 रुपए हो गया है। वहीं 14 मई को डॉजी कॉइन की कीमत 42 रुपए थी, जो आज 36 रुपए पर आ गई है। 14 मई को बेनेंसी कॉइन के दाम 45,000 रुपए के करीब थे, जो आज 36,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी पिछले कुछ दिनों में ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। एलन मस्क की चिंता है कि क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का खतरा है। एलन मस्क शुरू से ही पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। उनकी कंपनी टेस्ला ने उस वक्त इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतारी थी जब लोग इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। टीआरजी के अनुसार डोजीकॉइन प्रति लेन देन 0.12 किलोवाट प्रति घंटे बिजली की खपत करता है, जबकि बिटकॉइन प्रति लेन देन 707 किलोवाट प्रति घंटे की बिजली खर्च करता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर की बिटकॉइन इंडस्ट्री अमेरिका के 30 लाख घरों में खपत के बराबर बिजली खर्च कर रही है। बिटकॉइन इंडस्ट्री को एक देश मान लिया जाए तो ये बिजली खपत के मामले में दुनिया के 159 देशों से आगे है। बिटकॉइन जनरेशन रफ्तार पकड़ रहा है, इसलिए बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। बिटकॉइन की माइनिंग में विशेष गणना वाले शक्तिशाली कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। ये बिजली की काफी ज्यादा खपत करते हैं। अब एलन मस्क चाहते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग में सोलर या विंड एनर्जी का प्रयोग होना चाहिए, ताकि कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सके। डोजीकॉइन का भी मस्क काफी समर्थन कर रहे हैं। मस्क डोजीकॉइन को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हालांकि बिटकॉइन के मुकाबले डोजीकॉइन काफी कम बिजली की खपत करता है। यही वजह है कि मस्क डोजीकॉइन को खूब प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन वो डोजीकॉइन को लेकर भी काफी संतुष्ट नहीं है। उनके ट्वीट से ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि डोजीकॉइन में माइनिंग और लेन देन में बिजली की खपत को कम किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपनी क्रिप्टोकरेंसी ला सकते हैं।